चलिए अभी बुलाते हैं किसी एक और गेस्ट को, और ये जो गेस्ट हैं वो थोड़े स्पेशल रहेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो अभी टीम टॉप पे चल रही है उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सेठ स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, आप लोग कैसे हो? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बट सेठ, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि केवल मात्र 7 अंक का डिफरेंस बचा हुआ पहले और दूसरे टीम के बीच में, क्या आपने बात करी है प्लेयर से कि नहीं डे खत्म होने के बाद हमें टॉप पोजीशन चाहिए? आई मीन ये लीग स्टेजेस है, देखो जो हमको स्टेटमेंट बनाना था वो हम डे वन पे बना चुके हैं। जी तो लीग स्टेजेस में फॉर द टीम इट इज ऑल अबाउट क्वालिफाइंग, इट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, इट इज अबाउट स्टडिंग अदर टीम्स। तो आई एम नॉट वेरी कंसर्न, द टीम इज नॉट वेरी कंसर्न विद एंडिंग द इवेंट ऑन द लीग स्टेजेस ऑन फर्स्ट प्लेस। इट्स ऑल अबाउट द फाइनल्स दैट मैटर्स, यू नो। तो इट्स फाइन, आई मीन यू कैन टेक, हम लोग अच्छा ही खेल रहे हैं अभी भी। आई थिंक 10-11 पॉइंट्स पर गेम इज अ वेरी गुड एवरेज टू कीप स्टिल, बट ओआर इज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल टुडे, सो कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। सर, एज अ मैनेजर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी जो नई टीमें हैं ना, उनके पास मैनेजर्स हैं ना, उनके पास एनालिस्ट हैं, तो वो क्या मिस कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर, एंड एज अ मैनेजर एंड एज एनालिस्ट वो क्या टीम में लेके आते हैं पॉइंट्स जो उनको डिफरेंट बनाती है? आई मीन जो प्लेयर्स मेरे साथ खेल रहे हैं वो भी एक पॉइंट पे, उनके पास भी ना मैनेजर था ना सपोर्ट स्टाफ था। वो लोग खेल ही इसलिए रहे अभी ताकि उनको फ्यूचर में जाके ये सब चीजें मिले, वो लोग अपने परफॉर्मेंस से प्रूव कर पाए कि यू नो दे बिलोंग टू प्ले ऑन द स्टेज, दे बिलोंग टू बी इन दिस T1 लॉबी। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था टीम से, कुछ कुछ टीम से, बट कुछ टीम बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है। बीबी फॉर एग्जाम्पल और इवन काइनेटिक, दे डेफिनेटली हैव अ ब्राइट फ्यूचर। येस, थोड़ा सा कमी होता है विथ मैनेजर्स एंड योर सपोर्ट स्टाफ, बट एंड ऑफ द डे जो अच्छा खेलेगा वो लेके जाएगा इवेंट। चलिए बिल्कुल, थैंक यू सो मच सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एंड आपकी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय। थैंक यू। चलिए, सेठ हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि मैनेजर के जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा होती जरूर है, और उस तरीके से हम यहाँ पे जो टीम है उनको आगे बढ़ते हुए देख भी रहे हैं, जिनके पास भी मैनेजर है, जिनके पास भी कोचेस है, एनालिस्ट है, वो टीम काफी बेहतर कर